जोमैटो के IPO में अप्लाई करे या ना करे। सो so, दो तरीके की के के स्टडीज आप लोगों के सामने हो सकती है पहली कि भाई ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि लिस्टिंग गेन अवेलेबल है क्या तो लिस्टिंग गेन अराउंड 15 टू 20 परसेंट का अवेलेबल है बट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो सोलह रुपए तक दिखा रहा था वो अभी तेरह रुपये तक आ गया है सो so, थोड़ा बहुत निगेटिव हुआ है मार्केट कंपेर्ड टू द ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि लिस्टिंग गेंस की जो पॉसिबिलिटीज थी जब आईपीओ के बारे में बातें हो रही थी इनिशियली तब थोड़ी सी ज्यादा थी और अभी थोड़ी सी कम हुई है बट आई स्टिल फील कि बाय द टाइम द आईपीओ गेट्स ओपन फिर बहुत ज्यादा डिस्कशंस होंगे एंड द इंटरेस्ट कैन कम बैक सो लिस्टिंग गेन अभी तो अवेलेबल तो नजर आ रहे सो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आए थे उनको तो आंसर मिल गया नाउ इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कि भाई ये एज अ बिजनेस सस्टेन हो सकता है क्या एंड इट कैन गिव अ गुड ग्रोथ यानी आने वाले समय में अर्निंग पोटेंशियल कैसा है ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है तो उसके लिए एक टू पॉइंट एनालिसिस यहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं सो so पहला एनालिसिस अगर हम देखेंगे जोमेटो वर्सेस दी डिलीवरी इंडस्ट्री सो जोमेटो वर्सेस डिलीवरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं सो लास्ट तीन साल में एफ से लेके एफ तक जो ओवरऑल फूड डिलीवरी इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ हुई है वो 3.6 टाइम्स हुई है मतलब अगर हंड्रेड रुपीज का सेल हो रहा था सो नाउ द सेल इज हैपनिंग थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी टू रुपीज सो अराउंड थ्री पॉइंट सिक्स टू टाइम्स ये इंप्रूव हुआ है बट वही हम अगर जोमेटो की बात करते तो इंडस्ट्री को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म जोमेटो ने यहां पे किया है सो so, अगर सौ रुपए का आप देख रहे हो, हो सेल होता था एफ आई एटीन में सो नाउ द सेल इजनिंग सेवन हंड्रेड एंड इलेवन यानी सेवन पॉइंट वन वन टाइम्स ये ग्रोथ यहां पे हुई है सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर जोमैटो इट मीन्स कि जो एक ऑर्गेनिकली ग्रोइंग सेक्टर है उसमें जोमैटो अपने पीयर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट करता हुआ नजर आ रहा है सो दैट्स अ बिग बिग थम्स अप टू जोमैटो बट अगर एफ आई ट्वेंटी की हम बात कर दे सो ओवरऑल फूड डिलीवरी इंडस्ट्री जो थी वो सिक्स पॉइंट वन थ्री टाइम्स तक बढ़ी थी दो साल में बट पैंडेमिक की वजह से नीचे आया है बट उसको भी आई थिंक जोमैटो ने अच्छा परफॉर्म किया था 8.41 टाइम्स तक वो ग्रो हुआ था, FY20 में. So it means, जब फूड डिलीवरी इंडस्ट्री एफ फॉल हुई है 6.13 3.62 पे Zometo का fall सिर्फ 7.11 टाइम्स है इट मीन कि फॉल में भी जोमैटो uh, अपनी पोजीशन काफी अच्छी तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है सो दैट्स अग पॉजिटिव फॉर जोमैटो नाउ ग्रोथ पोटेंशियल से बात अगर हम करेंगे तो दो मार्केट से जिसमें ये ऑनलाइन फूड वगैरह या फिर फूड इंडस्ट्री रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है फर्स्ट है यूएस मार्केट और दूसरा है चाइना मार्केट तो उसके कंपैरिजन में अगर इंडियन मार्केट को हम कंसिडर करते हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर जोमेटो के लिए अवेलेबल है ऐसा हमें लगता है पॉपुलेशन कितने है इंडिया की वन बिलियन यानी कि वन थर्टी सिक्स यूएस की कितने थर्टी थ्री करोड़ से और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो है वो है वन फोर्टी थ्री करोड़ सो इस टोटल पॉपुलेशन में एक्सेस टू इंटरनेट कितने परसेंटेज लोगों का है सो so, यूएस में ये एटी एट परसेंट है चाइना में सिक्सटी थ्री परसेंट है एंड इंडिया में ये फोर्टी थ्री परसेंट तो यहां पे भी ये एक्सेस आने वाले समय में बढ़ सकता है नाउ ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट इन टर्म्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर की अगर हम बात करते हैं सो यूएस का मार्केट जो है वो ट्वेंटी बिलियन डॉलर का है चाइना मार्केट इज 90 बिलियन डॉलर्स और इंडिया का अभी मार्केट हुआ है 4.2 बिलियन डॉलर्स। सो लुकिंग एट दी पॉपुलेशन एंड द्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन आल्सो इन इंडिया तो ये स्कोप काफी बड़ा यहां पे होता हुआ नजर आ सकता है सो रेस्टोरेंट फूड या फिर फूड फूड कंजम्शन जो है रेस्टोरेंट uh, फूड का कंजम्पशन जो है इंडिया में वो कितना है कंपेयर टू यूएस एंड चाइना तो यूएस में ये 54 परसेंट मतलब 54 परसेंट जो फूड कंजम्पशन होता है वो रेस्टोरेंट फूड कंजम्पशन होता है यूएस में चाइना में ये 58 परसेंट है इंडिया में ये सिर्फ 10 परसेंट है तो जैसे जैसे अपना पर कैपिटल इनकम बढ़ता जाएगा मुझे लगता है पीपल आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑल्सो सो ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूजर्स की अगर हम बात करते हैं सो so इंडिया में ये यूजर्स कितने हैं यूएस में कितने हैं और चाइना में कितने हैं सो यूएस की पहले अगर हम बात करते हैं यहां पे, सो so अराउंड नौ uh, से बारह करोड़ के बीच में ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूजर्स है यूएस में कंपेयर टू देर थर्टी थ्री करोड़ पॉपुलेशन चाइना में ये नंबर अराउंड फोर्टी थ्री टू फोर्टी सेवन करोर का है एंड इंडिया में ये नंबर अराउंड फोर पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव करोर का मतलब ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूजर्स है सो so ये आप समझ रहे हो स्कोप का अगर हम परसेंटेज टर्म्स uh, में देखते हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूजर्स हु हैव टसेस टू इंटरनेट सो यह इंडिया में सिर्फ नौ परसेंट का है मतलब आपके पास नेट है बट यू आर नॉट एक्चुअली ऑर्डरिंग सो यह सिर्फ नौ परसेंट uh, का इन इंटरनेट यूजिंग सो इंटरनेट यूसेज भी बढ़ेगा और यह भी नंबर बढ़ सकता है यूएस में यह थर्टी सिक्स परसेंट का है एंड चाइना में यह फिफ्टी परसेंट है तो ये ग्रोथ पोटेंशियल जो है बहुत ही बढ़िया यहां पे नज़र आ रहा है कंपेयर टू द अदर मार्केट्स इन दैट्स वाई ये जो इन्वेस्टर्स है ये कितने इतने गंग हो क्यों लग रहे हैं जोमेटो के बारे में एक तो इंडस्ट्री पीयर्स के हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ है फॉल में भी कंसोलिडेशन अच्छा है मार्केट शेयर अच्छा खासा बढ़ाया है कंपनी ने एंड दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर दी शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर और वॉन्ट टू बी शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स

Uh, तो एक अच्छा केस uh, स्टडी आप लोगों के लिए बन सकता है बाय अप्लाइंग दो इट्स नॉट अ डायरेक्ट सजेशन सो फ्रॉम आई थिंक इन्वेस्टमेंट के एक थॉट uh, प्रोसेस के हिसाब से एनालिसिस uh, के एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से इट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू वॉच दैट्स वॉट आई फील जोमेटो तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा uh, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ विजिट इन्वेस्ट संज्ञा डॉट इन वहाँ जाके आप हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो सो uh, so उसके लिए मानसून ये प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो थर्टी परसेंट का डिस्काउंट भी आपको वहाँ पर मिलेगा मैं आशा करूँगा आप जरूर इन्वेस्ट संज्ञा डॉट इन को विजिट करेंगे तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रही है और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों जय हिंद